वेलकम टू माई ट्यूब चैनल। हम भाई यहाँ पर सुरेंद्र वर्सेस स्पिनर्स के बीच में होगा मैच खतरनाक वाला। गौरव के बेल का जो मैच होने वाला है दूसरा दिन का, तो देखते रहना पूरा वीडियो को। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई आप लोगों को गौरव के बेल मेरे इस चैनल पर तो विजिट कर लेना। टीम है डिफेंस किंग काफी अभी तो छोटे कल दिखते, लेकिन कारनामा उधर बड़े बड़े हैं। और कोरबा किंग्स की तरफ ले बादल नेटी 6 नंबर के जर्सी में 6 खिलाड़ी के मध्य देखे थे का यहाँ पे जब जबरदस्त पकड़ के प्रयास में इसलिए कि असफलता मिले थे। एक टच पॉइंट प्राप्त करी ने दोनों टीम के खाता खुल गए है। अब जो है सुरेंद्र सिंह कंवर जेबीडी पोटा पार्टी की तरफ से देखना हुई गाय मिलकर पास है बड़ा जबरदस्त पकड़ बढ़िया पकड़ प्रसाद है जानत रही इसके आही में करा तो पकड़ू कल तो सफल भी नहीं से। फिर चले बादल, अब बादल ने देख ले हुई बाबा के ऊपर भी बादल चाहे गरज पात की बात है। अपन रेड में तो पॉइंट कमा रही से पहली एक पॉइंट मिला रही से ऐलान में कावर कोर्ट में चार खिलाड़ी बचे हैं। और जब चार खिलाड़ी और पांच खिलाड़ी रहते तो बोनस ऑफ रहते और ये बीच में अंक बनाए पर काफी मेहनत करे ले पड़ते रेडर बल्ला और ना ध्यान रखे ले पड़ी। अब रजनी फसल तुले बिलोंग करते लेकिन ये ला खरीदे है जेबी डिपोटा पाली है देखे पर पड़ी काफी जोश से भरे हुए है काफी बल हौसला है। सामने से भी प्रिंस पात्रे डिफेंस करी पकड़ ले जिस अंक गुना बैठी चार शून्य के स्थिति। अब तीन खिलाड़ी मात्र बचे हुए हैं पोटा जेबीडी पोटा पानी में कुछ करना हुई लगातार अपन मैच ला हाथ के आए हैं पोटा पानी है ये मैच ला जीते ला पड़ी अगर प्रतियोगिता में बहुत ऊपर तक जाना है तो काबर के हमार ग्राम पंचायत बक्साही में कोरबा जिला के सबसे बड़े प्रतियोगिता हो थे कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग जेमा आप सब दर्शकगण हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है। बीच में बादल तीन खिलाड़ी के बीच में देखा था क्या कर पाते थर्ड दो अढ़ाई करे करो ऊपर की स्थिति में क्या कर पाते काबर अगर पकड़ा जाए तो बादल अपन दो गांव बैठे गए डिफेंस करके से निकल जात रही लेकिन पकड़ लिया गी बहुत बढ़िया पकड़ सामूहिक पकड़ इसने खेलने दिखाने पड़ी दो सुपर निकल के एक पकड़े के कोई पकड़े के बीच में बोला गोला सब रहते जेला सुपर निकल दूध को मिलते और दीपक भैया छोटा पानी के तरफ ले काफी बढ़िया प्रदर्शन रही से पानी के पीएल में लेकिन जैसे अखर में प्रशंसा करा रहे अपन अहमदाबाद काबर कोरबा किंग्स के डिफेंस और बताना चाहूँ कोरबा किंग्स अपन पिछला मैच हार गया है लेकिन वही बदौलत सीख भी लिए है कि हम कल कहाँ हमारे कमजोरी हो रही से और प्रशांत ला डाई लगा के पकड़े कोशिश करी लेकिन सफलता नहीं मिली कुछ करना पड़ी काबर ऑल आउट के करीब जा चुके हैं छोटा पानी दिनेश पोटा पानी तरफ नहीं खेलते गांव में खेलते थे लेकिन अब बोला पोटा पानी की टीम है खाली नहीं से गए हमारे गांव के तो बढ़िया खेली लेकिन उधर प्रदर्शन अभी तक कुछ अच्छा नहीं रही से काफी बढ़िया प्रदर्शन रही से। और विष्णु है जाला दीज के मैं परसूट करूँ तो रेडर लेनी चाहिए कोई काम नहीं है बिगड़ दिन के खेला थे और तो समझे पड़े थे विष्णु अब दो के जगह फिर तीन खिलाड़ी लेकिन उन तीन खिलाड़ी की बदौलत आ गए बादल गर्जन जरूर है अभी तक लेकिन बरसात होना अभी बाकी है। फोर कल घर के रिच बरसात है तो हमारे प्रतियोगिता में रोज खलल डाला थे लेकिन तब हो गए तो ज्यादा गरज चमक के साथ हमारे खिलाड़ी बन गए जो ऊर्जा है वो अभी भी दौड़ा थे अभी भी ऊर्जा लेकर शरीर है देखते चाहिए
पसीना पसीना हो गए तब लोग खेला थे। अरे ये खिलाड़ी के पहचान होते आवे कर पुलिस ने निकल के पकड़ी से समझ तो नहीं पाई लेकिन अपन अब गवा गई। लाल सिंह फिर दो खिलाड़ी बचे बहुत टाइम ले अपन कोर्ट में दो खिलाड़ी राखे हैं और वही दो खिलाड़ी हैं जो अपन व्यक्तिगत गांव के टीम में खेलते हैं। काफी अनुभव है देवानंद अपन गांव के कैप्टन है अपन साथी खिलाड़ी वाला रिवाइवल कराए ला पड़ी वापसी कराए ला पड़ी गाँव के चार रन के बढ़त बना है कोरबा किंग से और जाना था कि धीरे धीरे अपन बढ़ा दब पॉइंट के लीड जो हमें दिला उसने प्रेशर में आज जी सामने वाला टीम है। प्रशांत टू अ डायरेक्ट करे और मरो के मुकाबला में पर जबरदस्त कुछ खिलाड़ी है लेकिन प्रयास सफल करते थे और खल ऊपर लोग खल ऊपर जाके पटकी पटका ही तो कबड्डी के बजाय सुपर टेकर दो अंक मिले थे और के बदौलत पांच अंक मजा चुके हैं अपन मेन रेडर अपन टीम के कैप्टन सुरेंद्र सिंह कंवर जी ला वापसी करा है एक रन की जरूरत नहीं से और एक बार पानी की व्यवस्था करिए हमारे वीरू भैया पानी की व्यवस्था करिए एक बार ध्यान देना बहुत जरूरी है कंवर के खेला थे पानी और इसलिए मिला थे पसीना की रूप में था गर्मी भी बढ़ जाती हमारे तो बहिने बैठे पसीना निकल गई है ना। फिर तीन खिलाड़ी है लेकिन तीन खिलाड़ी के बीच में उखर मेन खिलाड़ी सुरेंद्र भैया है बादल ने पकड़ी से कहीं से के तेज नहीं कर जा हम उस गरज को बादल है बरसात कहीं से मैं आगू चल रहे तो भैया आप रंग दे दे तो बस गए अब बराबरी के लेवल में आ गए हैं यही तो कबड्डी के गेम है Thank you.
ये है रजनी सर, फिलहाल चार खिलाड़ी के बीच में देखा था का अंक बनाई लेकिन अंक बना लिए और एक अंक बढ़ा थे कोरबा किंग्स करा। किंग्स जिसने नाम है वैसे उधर प्रदर्शन चलत रही से एक पैर अंगूर गिरी से अहूल ध्यान रखी चोट वोट मत लगे खिलाड़ी मन अहूल ध्यान रखी करिया और खेल में चोट लगते जरूर वही कबड्डी खेल के हिस्सा है। अब रजनी सुपर टैकल आड़ है और आई बीच में का रजनी से अंक बना पाही कि नहीं पाही काबर के बीच में बादल हरे बादल रहा डिफेंस में नहीं आना रही से काबर वहाँ अपन टीम के मुख्य रेडर है एला समझना रही इस बादल ला लेकिन कोरबा किंग से गलती कर दारी और ओखर जगह से ओखर सपोर्टिंग रेडर के बीच में उपलब्ध है हमारा प्रसाद पैकरा और अल्लू पकड़ा गए। अब ऑल आउट के खतरा निश्चित तौर पर बोला जरूर ली से एक एक पॉइंट दोनों टीम को जरूर मिली लेकिन ऑल आउट जो खतरा नहीं चले बचा नहीं पाई अगर बचा रहती तो जो चार अंक के लीड बने हैं जो टाइम बादल अभी जब हमारे बड़े भैया पुरुषोत्तम भैया कहीं इसको मस्त हाइट है कोई हाइट के अगर फायदा बादल हो उठाई तो बादल में जाके छलांग लगा ही और जैसे काम वैसे काम बादल मैं गरजता ही नहीं बरसता भी बोल के चल दी और तीन पॉइंट लेके गई थी मेन मेन खिलाड़ी ला और मेन रेडर के रूप में हमारे सुरेंद्र सिंह तंवर जो कोरबा क्लब के शानदार स्टार प्लेयर कोटा पानी के टीम ने सेवा प्रदान करा थे देखा था का अंक बना पाही कि नहीं पाही काबर एक अंक बढ़ा थे फिलहाल कोरबा किंग्स करा पीछे चलत रही से लेकिन अब बढ़त में याद आ रहे हैं काबर अब 3:30 के खेला पर महके से फर्स्ट हाफ जबरदस्ती अपन पॉइंट देंगे तलाब फिराक में रही से उपमेश भी लाल सिंह है बोला इसने नहीं करना रिस्क काबर ये मैच चला थे बराबरी में 16-16 अंक दोनों टीम के हैं अभी फिलहाल लेकिन जो घर मुख्य रेडर है पोटा पानी के वो मैदान में हवे और वो ऐसे प्लेयर है कि चाहिए तो पूरा खेमल अपन पट्टी साफ कर सकते हैं और उसमें है टीम में है प्रिंस पात्र जेखर डिफेंस काफी मजबूत रहता है और रनिंग हैंड टच करे से रणजीत और केराला 3 के दृष्टि पहले जरूर है लेकिन अपन अंक लगवाए पर नहीं बचा पाई कोई बीच में फिर बादल अपन बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे जैसे नाम तैसे काम चार खिलाड़ी के बाद देखा था का अंक बचाए पर बहुत मुश्किल भी रहते हैं कमाए भर भी रहते कावर बोनस भी रहे ना और चार जन खिलाड़ी के बीच में रेड डाले बार बहुत मुश्किल रहते और खाली हाथ अकेला रेड मारे बादल थकान होला महसूस होए बल लगे लेकिन खिलाड़ी मन में थकान होला कोई आम बात नहीं है थकान ऊपर ऊर्जा का संचार भी करते कोई ऊर्जा ला देखा थे आज हमारे ग्राम पंचायत बक्साही में बहुत बढ़िया प्रदर्शन और जो हमारे पुरुष भाई बहन महिला वर्ग में बैठे हैं हमारे महतारी बन के जगह थोड़ा खाली कर देते हैं पर फूल जगह आके पुरुष वर्ग में खड़ा हो जाता था बहुत आभार रतीश आप मन आके खड़ा हो जावा काबर के महतारी बन सर्वोच्च शक्ति होती उधर जगह खाली कर देवा आप मन के बहुत बहुत आभार रही और पॉइंट मिला थे टेकन कर लिए जी सर प्रशांत के वापसी करी से जेबीडी पोटा पानी काबर के अपन पहली जीत के राह में हवे काबर अगर मैच में प्रतियोगिता में बने रहना है तो जो पहली जीत होते ना वो महत्वपूर्ण होते अगर पहली जीत नहीं मिले तो उम्मीद है आस जो रहते हो कम हो जाते हैं लेकिन ऐसी नहीं है अभी भी संभावना है अभी भी हवे समय काबर 16-18 दो अंक मामूली सी बढ़ा था वे जेबीडी पोटा पानी करा लेकिन निर्णायक इशारा आते हैं कि डेस्क करते हैं कि रेडर आउट
कैचर से अंक मिला थे कोरबा किंग्स ला। और कोरबा किंग्स की तरफ में बादल एक अकलौता एकलौता इसे प्लेयर रेडर ग्रुप में अपन भरपूर सहयोग कर रहे थे और सफलता भी मिला थे ना, लेकिन अब चार खिलाड़ी बचे हैं। सत्रह अठारह एक पॉइंट बढ़त बना है जेवी रिपोर्ट पानी अवै बीच में सुरेंद्र तमर जैसे कि वैसे वापस आगे सब टाइम आउट ले थे कोरबा किंग साहब देखना होगा कृपाल नौ नंबर के जैसे पहले देखा था क्या कृपाल है अंक बना पाते कि नहीं पाते इस बार के किक लगाने कोशिश कर रही है चार खिलाड़ी के बाद घेर तो जा रही है अब घेरे के बाद पटक भी जा रही तो पकड़ाएगी तब हो लो हम बड़ा थे लेकिन अंक गवा बैठे और अई अंक गवा के बाद सत्रह उन्नीस में है बनावी सर को चंद्रमंदिर करना चाहूंगा आएंगे साथ में देख बोलते भी लगातार जुड़े रहेंगे सेकेंड हाफ का पहला रेड सफल तो नहीं कहा जाएगा और जय बुढ़ादेव कोटा पानी का एक डिफेंडरों का जलवा चलता हुआ फिर चले सुरेंद्र लंबे गति के खिलाड़ी और हर खिलाड़ी कोरबा के आनमान सार सातरा मुजस्सिम देखना होगा चार खिलाड़ी के बीच में दो दो की जुगलबंदी क्या दो दो की चैनबंदी को तोड़ पाएंगे और इस बार बेहतरीन टैकल किया गया लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के वजह से सुरेंद्र पाल सेंटर लाइन को अपने हाइट का फायदा निश्चित तौर पे उठा चुके और 17-23 की स्थिति बनी हुई है। चार इनकी पहली निगाह है और दो पॉइंट मिलता हुआ सुरेंद्र पाल को 17-22 की स्थिति बन चुकी है। अभी भी सेकंड हाफ का 14 मिनट का खेल होना शेष प्रहार के ऊपर बादल छह नंबर जैसे बोले लंबे गति खिलाड़ी छह खिलाड़ी सात खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान राइट तरफ से लेफ्ट कॉर्नर को छकाते हुए तो हर के खिलाड़ी को फिंगर चलाया फुटबॉल को भी चलाया मान किया देखना होगा क्या बादल कुछ पानी बरसाते हैं लेकिन यहाँ तो सूखा देखने को मिल रहा है लेकिन जाते जाते एक बोनस दे बैठे फिर प्रहार के ऊपर सुरेंद्र दो दो खिलाड़ी के बीच में सुपर टकराव है क्या इस दो की जोड़ी को फंस कर पाएंगे सुरेंद्र गलती हुई लेकिन फंसे ओहो लड़ाई चल रही है और जस की क्या देखना होगा दोनों भाई सुरेंद्र पाल को रखना चाहे अदाड़ी संपत्ति स्रोते शिक्षक शादी सुरेश रोटिया सर सेमर बाजार कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग में पधारे हुए हैं उनको हम सादर आमंत्रित करना चाहे मंचस्थ होंगे आपका भी पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत आइए ले चलते हैं मैदान की ओर आप सभी का स्वागत है 10 नंबर की जर्सी में दिनेश यादव गए हैं डुमर पछाड़ क्लब को सेवा देते हैं लेकिन इस बार पोटा पानी बुढ़ादेव ने खरीदा है क्या दिनेश कुछ कर पाते हैं हालांकि हर फुट मल्ला रेडर माने जाते हैं लेकिन बिना मिले का सुरक्षित अपने पाले में फिर गए प्रशांत प्रशांत भी खुद पर क्लब चेपा को सेवा देते हैं और हर फुट मल्ला रेडर माने जाते हैं छह खिलाड़ी के बीच में बहुत आसान है क्या प्रशांत कुछ कर पाते हैं तभी बात बन सकती है दो अंक से पिछड़ती हुई है कोरबा की छह खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान लेकिन छूने का प्रयास किया गया था लेकिन डिफेंडर भी थोड़ी सी अनमने ढंग से रिक्स रहना नहीं चाह रही है क्योंकि दो अंक से बढ़त बनाई हुई है तो निश्चित तौर पे इस बढ़त को बरकरार रखना चाहेंगे फिर चले सुपर टेकल आन कोरबा किंग के पास बिना अंक लेकर वापस शायद डिफेंस मैच माना चाहेंगे लंबे गति खिलाड़ी पार और ये डू ऑर डाई ग्रेड करवा मरो की स्थिति क्या बादल इस संकट को पानी ढपेल पाते हैं लेकिन पूरे सातों के साथ छह खिलाड़ी झुरमुट तरह है और टेक टीम से वजन बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे टिकल किया गया लेकिन जाते जाते अंक सुनिश्चित अपने टीम के लिए सुनिश्चित कर बैठे और 21-23 की स्थिति बनी हुई है
और इधर भी खतरे की घंटी निश्चित तौर पर थोड़ा बात बन सकती है। और तमाम युवा चालक संघ, व्यापारी संघ, आयोजक समिति, अधिकारी कर्मचारी और तमाम कबड्डी के कोने कोने के हर घर के सदस्य को हम आमंत्रित वंदन अभिनंदन स्वागत करें। जय बादल ने पीठ दिखाया और वहीं पे पीठ दिखाना मतलब आप भली भांति जानते हैं और कर्म कर बैठे। एक समय जयपुर अदपोटा पानी पिछड़ती नजर आ रही थी, उसको एक निरंतर बरकरार रखते हुए बढ़त लाई हुई है। फिर चले प्रहार के ऊपर सुरेंद्र। हमारे बीच में आदरणीय रामदास मणिपुरी शिक्षक जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम तहे दिल से बाल वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। मंचस्थ होंगे सुरेंद्र आए, सात अंक से बढ़त लाए हुए हैं, 12 सेकंड का खेल आना से प्लेस पात्र गए हैं। उनके कदम में सारा दिलदार चार प्रज्ञा सिंह कोरबा क्लब को सेवा देते हैं। हर फनमौला हर नंबर माने जाते हैं, कभी डिफेंस का जलवा भी खेलते हैं तो कभी ऑफेंस में। देखना होगा सात खिलाड़ी का हाउस नंबर का राइट का स्लिप का लक्ष्य लगाते हुए कवर के खिलाड़ी खेलने का प्रयास और कॉर्नर के खिलाड़ी बिंदु यादव को वहीं पे डैश बाहर किया गया। फिर चले सुरेंद्र का सात नंबर जैसे देखना होगा सात खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान मैदान कोरबा किंग का। क्या कोरबा किंग राजा की तरह राज करना चाहेगी या जय बुढ़ा देवी अपने जो बढ़त बनाई हुई उसको प्रकार रखना चाहेगी। और दोनों के बीच में महाभिनत महामुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला, कबड्डी का पंच देखने वाली बात होगा कौन बनेगा सरपंच। प्रशांत गए सात नंबर जैसी में, वो भी पीठ दिखा रहे हैं, हालांकि कमारी इनके खिलाड़ी को फुटवर्क चलायमान कर रहे हैं। अगर रेट में अगर सुरेंद्र को प्रहार करते हैं तो हर के खिलाड़ी रजनीश अनमाने ढंग से आए और निश्चित तौर पर यहाँ पे हमने सुनिश्चित किया। धीरे धीरे नहीं लेकिन अपने गड्ढे की खाई को पाटने का प्रयास किया। ठीक चले सुरेंद्र और ये थर्ड रेड इनसाइडेड रेड भरों भरों की स्थिति इस बार सुरेंद्र, लेकिन गलती कर बैठे विष्णु और प्रसाद में जो कि और दो अंक का खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर चले सात नंबर छह नंबर सॉरी बादल, बादल को गरजना होगा, घोड़ना होगा और पानी की बरसात करना होगा तभी बात बन सकती है। हालांकि इंद्रदेव ने भी पानी बक्सा ही प्रतियोगिता में खल डालने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी मेहरबानी रही है एक सफल आयोजन सेकंड दिवस का। बोनस का प्रयास अटेम्प्ट, लेकिन बोनस का भी साफ सुथरा नियम है, एक पैर लाइन में तो एक पैर हवा में होना चाहिए। फिर चले लगातार पसीना गिरती है सुरेंद्र पाल की, इनकी मेहनत क्योंकि रेट का सारा दर उनके कंधों में है, सात अंक से बढ़त बनाई हुई है, कुछ करना होगा। प्रशांत प्रिंस पात्र को थोड़ी रणनीति में बदलाव करना होगा कि हमारे से कहां चूक हो रही है। 7:48 का खेल आना शेष, 23:30 की स्थिति बनी हुई है। प्रिंस पात्र शायद थर्ड रेड में खिलाना पसंद करना चाह रही है। रजनीश आए हैं, रजनीश जो कि बसंतपुर कबड्डी क्लब से सेवा देते हैं, आज इन्हें टूटा पानी बुढ़ादा ने खरीदा है। रजनीश भी अपने लाजवाब खेल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रजनीश फुटबॉल पर से अपनी फिटनेस से जूझते नजर आ रहे हैं, नहीं तो इनका भी रेट का जलवा हमेशा चलते रहता है। हालांकि बढ़त बनाई हुई है सात अंक से। रंजीत को अपनाया गया, क्या रंजीत कुछ रंजीत तो डिफेंस के जादू माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रंजीत को रजनीश ने टेकल किया गया। रजनीश जो कि हम नहीं लेकर गए थे रेड में, लेकिन उन्होंने टेकल के जरिए और थर्ड रेड इनसाइडेड रेड करो मारो की स्थिति रजनीश ने अपने कंधों पे, उन्हें एक विश्वास था कि मैं इस पूरे डीप में जाकर रजनीश फंसे। रजनीश जल्दीबाजी कर बैठे और थोड़ी सी चुप कर बैठे।
आगमन हुआ है। जगह दिए जितने भी हमारे दर्शक बांस जो बंधा हुआ है ग्राउंड के बाउंड्री में उनसे उठ कर आपने जो जगह सुनिश्चित किया गया उस पर आप बैठ जाइए, क्योंकि जो बांस बंधा हुआ है मजबूत रस्सी से ही बंधा हुआ है, इसका भी ध्यान रखिए। और जो बच्चे मैट में बैठे हुए हैं वे कृपया करें किनारे में बैठ जाए, क्योंकि मैट टूट जाएगा तो एक मैट की कीमत 2500 से 3000 है, इसका भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद जगत जी। मंच में विराजमान आदरणीय प्रेम टेलर्स पाली का आगमन हुआ है, उनकी स्वागत के लिए हमें बुलाना चाहूंगा योगेंद्र वैके आयन जी, कुछ स्वागत करेंगे। साथ ही संपत्ति स्रोत सर जी का भी आगमन हुआ है, उनके स्वागत के लिए मैं नारायण पटेल जी को बुलाना चाहूंगा, आएंगे कुछ स्वागत करेंगे। साथ ही साथ सुरेश सरोटिया सर जी का भी आगमन हुआ है, शिखर कछार, उनके स्वागत के लिए मैं दुर्गेश मलाई को आमंत्रित करना चाहूंगा, आएंगे पुष्पगुच्छ स्वागत करेंगे। साथ ही साथ रामदास मानीपुरी जी का भी आगमन है, शिक्षक, उनके स्वागत के लिए मैं वीरेंद्र तेरंगो को आमंत्रित करना चाहूंगी, आएंगे पुष्पगुच्छ स्वागत करेंगे। सम्मानी रामदास मानीपुरी जी का स्वागत के लिए आएंगे नारायण पटेल जी, मंच में विराजमान है, उनका पुष्पगुच्छ स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हैं, आइए ले चलते हैं मैदान की ओर। प्रहार के ऊपर सुरेंद्र पाल 7 नंबर जैसे में, और वो 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान है कोरबा किंग का, लंबे कद के हुनर खिलाड़ी, 25-31 की स्थिति बनी हुई है, और द्वितीय रोशनी में मैच चलता हुआ कोरबा कबड्डी प्रीमियर 2024। आप सभी का पूरा एक बार इस्तेमाल वंदन अभिनंदन स्वागत। बादल लगातार रेड में, बादल को कुछ करना होगा, गरजना होगा, बरसना होगा, और वर्षा तो नहीं गिराना होगा क्योंकि मैच खराब होगी, लेकिन अंत तक लेकर जाना वोट किया गया। बादल थोड़ी सी जल्दीबाजी कर बैठे, अंकों की बारिश यहां करनी थी, लेकिन यहां भी बड़े बड़े इंद्रदेव बैठे हैं रोक के। और थर्ड रेड में सुरेंद्र को अजमाया गया है, अगर फंस सकते हैं तो इस बार सुरेंद्र कंवर को थर्ड रेड पता नहीं था, शायद उन्हें अजमाना नहीं था, रजनीश को अजमाना था या दिनेश को अजमाना था या उनके दीपक हैं, दीपक की ज्योति जल नहीं रही है। प्रेस पात्र 4 नंबर क्या प्रेस पात्र जो 6 एम की गड्ढे है उसको पाड़ने का प्रयास करेगी। समय इससे गुजरता जा रहा हुआ, 3 मिनट 21 सेकंड का खेल आना शेष, लेकिन बिना गले का वापस आना जाएगी। क्या इस बार दीपक जाते हैं या रजनीश को अजमाया जा रहा है। हालांकि जय बुढ़ा देव टीम कोटा पानी बढ़त बनाए हुई है, लेकिन अभी भी समय है कोरबा किंग के पास, 3 मिनट 16 सेकंड का खेल आना शेष। रजनीश को हर हाल में चलना होगा, बहाने नहीं चलने आए, क्योंकि इस बार देखना होगा। और 2 अंक सुनिश्चित किए और उनके दोनों खिलाड़ी जो पवेलियन में विश्राम कर रहे थे वापस हुए। KGF जाली बनाम 7 स्टार बख्तरीराम, इस मैच के तुरंत होने वाला है, कुछ चंद 2 मिनट का खेल होना शेष। दीपक से गलती नहीं करने थी, क्योंकि 27-34 की स्थिति बनी है सुरेंद्र का। और हमारे बीच में मदर प्रिंटर्स पाली का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही तमाम मातृशक्तियों का भी हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। आपने अपने महती समय निकालकर इस प्रतियोगिता को 4 चंद लगाने के लिए आए। 27-34 की स्थिति बनी हुई है, 8 नंबर जैसे में 2 मिनट 10 सेकंड का खेल आना शेष। महज 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है, अगर एक ऑल आउट कर देते हैं तो इस बार अनुभव की कमी समझ नहीं पाए, जाकर बोला गया कहां के खिलाड़ी जब बाहर निकल के आ रहे हैं तो देखना था, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी महसूस दिख रही है। एक समय बढ़त बनाई हुई थी कोरबा किंग, लेकिन लगातार जय गुणदेव ने अपने खेल की गति को नियंत्रित किया और एक 300 वजन से मजबूत बढ़त बनाते हुए अंक तालिका को बरकरार रखा।
हालांकि प्रिंस पात्रे और सुरेंद्र एक क्लब से खेलते हैं, लेकिन दोनों के बीच भिड़ंत मुकाबला चलता हुआ 1:29 का खेल आना शेष 27:35 की स्थिति बने हुए। एक तरह से कहा जाए ड्राइविंग सीट पे पटरी में बैठ चुकी है, बस जाते जाते मिला 28:35 की स्थिति बने हुई है। और ये डू ऑर डाई का रेडर 30 सेकंड के दायरे में स्ट्रगल करना होगा रेडर के लिए, अन्यथा आप कोर्ट से बाहर जाएंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आपको स्ट्रगल करना होगा डीप में जाकर, लेकिन कभी कभी डिफेंडर इसमें स्ट्रगल कर बैठते हैं, उसका खमियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे समय बदलता गलती हुई, आप अंतिम समय में उन्हें टेकल किए, उनकी गति की रफ्तार सेंटर लाइन उनकी ओर जाती है, उसका खमियाजा भुगतना होगा। हालांकि बढ़त बनाई हुई है 29:36 की स्थिति, 7 अंक से भी बढ़त बनाई हुई है। एक लीग मैच में भी देखना होता है कि जब सेमीफाइनल का मुकाबला हो, जब प्रतिद्वंदी ज्यादा टीम आती है तो अंक तालिका को भी गणना की जाती है, उसको भी देखना होगा। हारो लेकिन थोड़ी सी कम अंक से हारेंगे तो 7 अंक या 8 अंक से आप नीचे हारेंगे तो उसका अंक तालिका में हमारे बीच आदरणीय मदर पिंडस पाली चंद्रपाल विनायक जी का आगमन हुआ है, मंजस्त होंगे उनका भी तेजी से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। बादल आए लगातार, बादल जो कि पहला सेकंड मैच में उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन इस मैच में उनके डेप्यूटी सॉरी जैक ब्रदर टीम की उन्होंने रोक के रखा, टीम के लिए खमाया जाए। हम दोनों टीम को बधाई देना चाहेंगे, टीम जीतती है, टीम हार से हताश अगेंस्ट जेबीडी फोटो पानी भाई, सॉरी जेबीडी फोटो पानी फाइनल का।